हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने यह ब्यूटीफुल सा बैक नेक डिजाइन शेयर किया है और इसी तरह की नेक डिजाइन हमें वेडिंग गाउन, प्रोम गाउन, इसी तरह की गाउन्स की बैक पर दिखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो तरह की फैब्रिक इस्तेमाल किया है, नेट फैब्रिक और ऑर्गेंजा सिल्क का फैब्रिक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो गाउन है इसकी पूरी ट्यूटोरियल भी आने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पेपर पीस लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधा लाइन डालेंगे। ये दो कपड़ों में कटिंग होगा तो हम पेपर पर पहले कटिंग करेंगे। आप सीधा लाइन डाल लेने के बाद शोल्डर है 7 इंचेस और इसी लाइन पर हम मार्क डालेंगे। और देखिए शोल्डर है 7 इंचेस, 7 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी। अब मैं इसकी आर्म होल रखूंगी 7.5 इंचेस पर, इस तरह से। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। आप चेस्ट का 1/4 लेंगे और मेरा है 9 इंचेस। और जब हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तभी हम इसकी सिलाई मार्जिन को रखेंगे। तो इस तरह से इस लाइन को भी सीधा करेंगे और इसकी लेंथ में रखूँगी 16 इंचेस। और 16 के लिए मैं 17 पर मार्क लगाऊंगी। टॉप पार्ट की लेंथ होगी 17 इंचेस और यहाँ पे वेस्ट होगी मेरी 7 इंचेस। वेस्ट का 1/4 मेरा है 7 इंचेस, तो 7 पर मैंने मार्क लगा दिया। अब हम वेस्ट और चेस्ट की मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे। अब मैं यहाँ पर नेक रखूँगी 4 इंचेस, ये बोट नेक बनेगा। तो नेक की चौड़ाई होगी 4 इंचेस और इसकी डेप्थ होगी सिर्फ 2 इंचेस। आप 3 इंचेस भी रख सकते हो। तो 2 इंचेस पर मैंने इस तरह से मार्क लगा दिया है। अब शोल्डर को हम 1/2 सेंटीमीटर डाउन कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर को हम 1/2 सेंटीमीटर डाउन रखेंगे। इसके बाद हम इसकी आर्म होल का पॉइंट निकालेंगे। तो 3.5 पर मैंने एक पॉइंट डालने के बाद यहाँ से इस तरह से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप दे देने के बाद अब हम नेक का भी शेप डालेंगे। तो 4 इंचेस बाई 2 इंचेस का बॉक्स बनाने के बाद वहाँ पर भी हम एक राउंड शेप दे देंगे। और फिर हम बिल्कुल ऊपर से जो हमारा शोल्डर पॉइंट है वहाँ से हम इस तरह से 9 इंचेस डाउन पर एक मार्क लगा देंगे। और फिर इस पॉइंट पर हम एक सीधा लाइन डाल लेंगे। अब हम देखिए इस लाइन पर अंदर की तरफ 1.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। और नेक का जो पॉइंट है वहाँ से मैं एक ओवल शेप डाल रही हूँ, लेकिन आप वहाँ पर आपकी पसंद का कोई भी शेप यहाँ पर आप डाल सकते हो, जैसे कि हार्ट शेप या फिर राउंड शेप। तो मैंने यहाँ पर ओवल शेप डाल दिया है। अब हम जो हमारा आर्म होल है वहाँ पर 6.5 डाउन पर इस तरह से एक मार्क लगाएंगे और इस पॉइंट को जो 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। अब हम आएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर मैं लगाऊंगी 1 इंच, क्योंकि मैंने ऊपर लगाया था 1.5 इंच पर और नीचे लगाऊंगी मैं 1 इंच पर निशान। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला देंगे और फिर हम इस पीस को कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस तरह से कटिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा पीसेस है इन्हों कटिंग कर लिया है। अब हम इस पीस को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इस पीस को पहले हम अलग कर लेंगे और इसी लाइन पर हम कटिंग डालेंगे। तो देखिए नीचे का पीस अलग हो चुका है, ये नीचे का पीस है। अब इस राउंड शेप को हम कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद हमारे पास 2 पीसेस आएगा और इसी 2 पीसेस को हम अपनी कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए जो नीचे का पार्ट है इसे मैंने इस तरह से
कटिंग किया है इसके ऊपर और नीचे की तरफ मैंने हाफ इंच रखा है, और ये फिटिंग वाला हिस्सा है जहाँ पर मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पर लाइनिंग और फैब्रिक को मिलाकर मैंने 4 पीसेस कटिंग किया है, और नेट को भी मैंने 4 पीसेस रखा है क्योंकि नेट को मैं 2 लेयर में डालने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो नेट का फैब्रिक भी 4 पीसेस है। अब हम क्या करेंगे, जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसे लेंगे और इसका जो मिडिल वाला हिस्सा है इस हिस्से पर इस तरह से स्केल की मदद से एक लाइन डाल लेंगे, और सबसे पहले हाफ इंच नीचे एक पॉइंट लगाएंगे और स्केल की मदद से एक एक इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। उसी निशान पर हम अपनी डोरिया अटैच करेंगे। तो इस तरह से निशान लगा देने के बाद जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट पर भी हम सेम वैसा ही निशान लगा देंगे। पहले हमें हाफ इंच चोड़ना होगा, इसके बाद से हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने दूसरे पार्ट पर भी निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह की जो डोरिया होती है इसे लेंगे और ये जो डोरी है ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आने के लिए पहले हम लाइनिंग के पार्ट पर उल्टा इस तरह से रख कर इसे अटैच करेंगे। तो डोरियों को मैं पहले कटिंग नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर इस तरह से देखिए उल्टा फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम अपनी लाइंस पर बिठाते हुए इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से 2 लाइनें डालूँगी। एक तो हमारा स्टिचिंग का होगा और दूसरा इस तरह से जो इसका घुमाव है वो पूरा बराबर आए, इसीलिए मैं दूसरा लाइन डालूँगी। और मशीन पर मैं इस तरह से पहले एक पेपर रख दूँगी ताकि इसका जो स्टिच है वो काफ़ी नीटनेस के साथ आए। तो इस तरह से एक बार हम डोरी को रखेंगे और इस पर हम मशीन चला देंगे। इस तरह से चलाने के बाद जो हमारा लाइन है देखिए इस तरह से इसी लाइन के समान ही हम इस पर राउंड डालेंगे। तो इस तरह करने पर हमारा जो लूप्स है वो सब बराबर में आएगा और एक छोटा या एक बड़ा इस तरह से नहीं होगा। तो इस तरह बिठाने के बाद किसी नुकीली चीज़ या सुई की मदद से हम इस तरह से इसे रखेंगे और इस पर मशीन चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वीडियो में किस तरह से दिखाया गया है। तो इसी तरह से हम अपनी दोनों पार्ट्स की लूप्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारे दोनों पीसेस पर लूप्स ज्वाइन हो चुका है। अब हम अपनी नेट की जो पीसेस है इन्हें लेंगे, और यहाँ पर 4 पीसेस है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं आपको पेपर पीस को बिठाकर बता देती हूँ। यहाँ पर राइट से राइट मिलाते हुए दोनों पीसेस पर एक एक स्टिच लगाएंगे और इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक स्टिच लगा दिया है। अब हम इन दोनों पीसेस को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह करने पर हमें अलग से हेमिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इनको सीधा करके इनकी चारों तरफ पर एक एक स्टिच लगा दिया है। अब हम इन सारी पीसेस को ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए हम लाइनिंग पीस को लेंगे और इसके ऊपर नेट फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखेंगे। अब हम अपनी मेन फैब्रिक को लेंगे और इसी के ऊपर इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से लेकर नीचे तक एक स्टिच लगा देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस पर स्टिच डाल दिया है। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे तो काफ़ी नीटनेस के साथ देखिए हमारा नेट वाला पार्ट ज्वाइन हो चुका है। और फिर हम इनकी किनारियों पर बहुत ही नीटनेस के साथ एक टॉप स्टिच लगा देंगे, इसी लाइन से होते हुए नीचे तक हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। स्टिच डाल लेने के बाद हम इसकी नीचे की एक फैब्रिक पीस तैयार करेंगे।
इस तरह की, जो नीचे का पीस है वो इस तरह से आएगा। और यहाँ पर भी मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक का टू पीसेस लिया है और इनकी मेजरमेंट है 7x10 इंचेस। इनको हम चारों तरफ एक स्टिच लगा देंगे राइट से राइट मिलाते हुए, बाद में इसे सीधा कर लेंगे। और इसकी लेस के लिए मैंने 1.5 मीटर लंबा और 2 इंच चौड़ा एक फैब्रिक लिया है, जिसको बीच में फोल्ड करते हुए एक स्टिच इस तरह से डालेंगे। तो इन दोनों कपड़े के पीसेस को मैंने जॉइन कर लिया है और लेस को भी एक स्टिच लगा दिया है। अब ये जो खुला हिस्सा है वहाँ वैसे मैं इसको सीधा कर लूँगी और ये जो खुला हिस्सा है इसे इस तरह से अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए वहाँ पर हम स्टिच डालकर इसे बंद करेंगे और चारों तरफ टॉप स्टिच लगा देंगे और इसे प्रेस कर लेंगे। अब जो लेस है इसको हम सीधा करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नीटिंग पिन का मदद लिया है। आप भी इसी तरह की कुछ नुकीली चीज़ से इसे सीधा कर सकते हो। तो देखिए, जो इसका बर्न वाला पार्ट है इसी पार्ट में से हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ डालेंगे और ये काफ़ी आसानी से सीधा हो जाएगा। और ये लेसेस काफ़ी 1.5 मीटर लंबा है तो इसे सीधा करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से सीधा हो जाएगा। तो सीधा करने के बाद देखे, मैंने यहाँ पर टाई किया हुआ है और ये बिल्कुल आसान है। जिस तरह से हम अपने शूज़ पर लेस करते हैं सेम वैसा ही है। ये उसका उल्टा तरफ है और ये इसका सीधा तरफ है। और नीचे का जो पीस है इसे हम अपनी फुल ट्यूटोरियल में दिखाएंगे कि इसे किस तरह से रखा स्टिच किया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे फुल ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।